हेलो गाइस, तो हाल चाल है आप सभी के। सुबह आज मैं खेल रहा था सोलो के अंदर, और भाई यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला यार, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं लिटरली भाई कीबोर्ड एंड माउस वाले प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ यार। जैसे कि भाई पहले ही मैच में होता है, भाई यहाँ पे जो ये ब्लू वाला बंदा है ना, ये कीबोर्ड माउस वाला नहीं है, ये नॉर्मल टच वाला प्लेयर है। तो इसको तो भाई मैंने बिल्कुल आराम से किल कर दिया। बेचारा न्यू लग रहा था मेरे को, लेकिन ठीक है यार, आप उसको किल कर दिया। अब यहाँ पे भाई जो बगल में ग्रीन का बेड है, मतलब बेस है, और उसके बगल में भाई येल्लो का बेस, और येल्लो वाला बंदा भाई पीछे वाला निकला भाई, मतलब कीबोर्ड माउस वाला। तो भाई वो खतरनाक सीन हो जाता है यार यहाँ पे मेरे साथ में। लेकिन भाई यहाँ पे क्या होता है तुम लोग खुद देखना। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ भाई यहाँ पे, और तभी वो वाला बंदा आ जाता है। तो मैंने उसको भाई एक फायर चार्ज मारा। मुझे शक था कि ये बंदा मतलब माउस एंड कीबोर्ड वाला है, क्योंकि भाई मैंने लोबी में देख लिया था ना। और भाई ये लिटरली इतनी ज़्यादा हेल्थ खा गया मेरी, भाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा हेल्थ खा गया। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे मैं फिर से लूट करता हूँ, और बंदा डायरेक्ट रश कर दे यार। मतलब बंदा देख रहे हो तुम कितना कॉन्फिडेंस है। अब यहाँ पे भाई उसने मुझे किल कर दिया, तो मैं फिर से जाता हूँ यार, और वो बंदा आ गया था ब्लू के बेस पी, और तो यहाँ पे फिर मैं आगे चला गया यार उसको छोड़ के, क्योंकि भाई उससे पीवीपी करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना यार। अब उससे पीवीपी ना करते हुए मैं उसके बेस पे चला गया उसका बेड तोड़ने के लिए, और मेरे पास फायर चार्ज था। तो मेरा प्लान था कि भाई उसको फायर चार्ज से उड़ाऊंगा मैं और बॉडी में गिरा दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं यार। और क्या होता भाई तुम लोग खुद देखो। अब यहाँ पे मैं लूट करने लग गया, और लूट करके जैसे ही भाई चाहता हूँ ना आगे, तभी देखो भाई ये बंदा लिटरली भाई ग्रीन के बेस की ओर आ गया यार। मतलब एक आइलैंड टाप दिया इसने इतनी जल्दी। तो यहाँ पे मैं चुप गया, और तभी भाई वो बंदा यहाँ पे लूट करके ना बाहर निकलता है। ये थोड़ी बहुत लूट कर रहा है, नहीं अभी लूट करना चालू किया इसने, अभी ये बाहर निकला इसकी भैंस की टांग। अब यहाँ पे मैंने लिटरली फायर चार्ज मारा, और वो बंदा नीचे नहीं गिरा यार। मतलब उसके नीचे का वाला ब्लॉक जो है था वो टूटा ही नहीं। तो ये फिर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर देखना तुम भाई ये वाला फायर चार्ज पीछे चला गया यार। अब ये क्या हो रहा है यार, कितने टट्टी फायर चार्ज है यार। यहाँ पे मैं भागने का नाटक करके फिर से आता हूँ, एंड तब तक ये बंदा भाई पास में आ गया, तो मैं भी ऊपर चढ़ा फिर नीचे आ गया। अब वो बंदा कूदेगा, ये साले पीसी के बच्चे टच में आना, तो देर को दिखाऊं मैं। अब यहाँ से मेरे साथ खेलने लग गया है, साले मेरे साथ खेलेगा, स्टेवो भाई के साथ खेलेगा। निकल साले, नूबड़ा समझ रखा है क्या, निकल भाई। तुम्हारे भाई ने लिटरली उसको किल कर दिया यार, वो भी कीबोर्ड एंड माउस वाले प्लेयर को। साला मेरे साथ खेल रहा था यार, मतलब देख रहे हो तुम, आयरन के इंगट से मार रहा था मेरे को, मतलब खेलना चाह रहा था मेरे साथ में, लेकिन मैं उसके साथ ही खेल गया भाई। तो भाई ये वाले मोमेंट के लिए ना तुम लोग 1 लाख जरूर से कर देना यार। खैर यहाँ पे भाई मैं चला गया सयान के बेस की ओर, एंड ये बताने भाई लाखों साल बाद ये बेचारा आया होगा, और ये बगल में घुस गया है, मतलब बगल वाले बेस में, और मैं वहाँ जाके भाई उसको दो दो फायर चार्ज मारा। लेकिन अभी देखना ये भैंस की टांग इतना लेग हुआ भाई, मेरी फटके चार हो गई। अच्छा हुआ भाई मेरे को फायर चार्ज नहीं लगा, वरना तो मैं खत्म ही हो जाता। खैर अब भाई विक्ट्री हो जाती है, सो बढ़ते यार नेक्स्ट मैच में। तो ये भाई हमारा दूसरा वाला मैच, और इसी मैच में भाई मेरे अलावा जितने भी थे ना, वो सारे के सारे बंदे माउस एंड कीबोर्ड वाले। भाई मैंने लिटरली लोबी में देखा था, जितने भी बंदे दिख रहे थे ना मेरे को, सारे माउस एंड कीबोर्ड वाले बंदे यार। अब यहाँ पे भाई क्या सीन होता है कि मैं रश कर दिया भाई ये बगल वाले बेस में, ये ग्रीन के बेस में। अब ये पता नहीं भाई येल्लो का बेस उस तरफ क्यों है, ग्रीन का बेस इस तरफ क्यों है। खैर यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ, एंड ये बंदा पता नहीं भाई चला ही गया था, एप के हो गया था थोड़ी देर, तो मैंने उसका फायदा उठा लिया और उसको किल कर दिया। तब यहाँ पे येल्लो का बंदा आ जाता है, और येल्लो का बंदा भाई माउस एंड कीबोर्ड वाला था, लेकिन मैं उसके साथ हाथापाई करके उसको लिटरली किल कर देता हूँ यार। मतलब भाई ये कीबोर्ड माउस में भाई ये थोड़ा बहुत न्यू होगा, मतलब नूबड़ा कह लो यार तुम लोग, नूबड़ा ही कह लो भाई। टच में से भाई ये कीबोर्ड माउस यूज कर रहा है यार टच वालों के सामने, बेशरम साले, शर्म नहीं आते इन लोगों को। खैर यहाँ पे भाई मैं एप्पल खाता हूँ, एंड फिर मैं रस कर देता हूँ येल्लो के बेस की ओर, क्योंकि भाई येल्लो का बेड वगैरह तोड़ना है और भाई सेफ्टी रखनी है ना अपनी। लेकिन भाई यहाँ पे क्या होता है यार, वो इतना डरपोक बंदा भाई, ये देखो यहाँ पे मैंने उसको नीचे गिराने की ट्राई की, लेकिन नीचे नहीं गिरा पाया, तो मेरे भाई उसका बेड तोड़ दिया, और भाई वो बेड ट्रेड करने चला गया यार। मतलब वो मेरा बेड तोड़ दिया, मतलब वो मेरा बेड तोड़ने चला गया, मैंने उसका बेड तोड़ दिया। अब ये देखो, अब मैं कहाँ से पकड़ू यार उसको, मेरे पास फायर जैज भी नहीं था, वरना तो उसको नीचे गिरा देता मैं। अब मेरे पास इना फूल नहीं थी, तो भाई यहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़ा, वरना भाई मैं साइड से ब्रिज करके भी उसको रोक सकता था। लेकिन यहाँ पे देखना, उसने भाई लिटरली फायर जज मार दिया, और वो हक दिया भाई, उसने फायर जज हक दिया। तो मैंने भाई बिल्कुल आराम से उसके पीछे जाके उसको किल कर दिया आयरन की सोर से। और क्या बोलो भाई, ये पीसी प्लेयर था कि ये क्या था भाई। खैर यहाँ पे मैं फिर से लूट वगैरह करता हूँ, एंड आ जाता हूँ भाई असली लोंडो के पास, यानी कि भाई रेड एंड ब्लू के पास। अब यहाँ पे ये दोनों बंदे फाइट कर रहे थे छोटू वाले आइलैंड में, तो मैंने भाई यहाँ पे रेड का जो बेड था वो तोड़ दिया, और यहाँ से मैंने एक फायर चार्ज मारा जो कि भाई हेल्प कर देता है ब्लू की उसको मारने में।
अब यहाँ पे फिर से एक मारा, अब ये बंदा उड़ के आया मेरे सामने और डायरेक्ट वर्ल्ड में चला गया। भाई ये बिल्कुल फनी सीन था यार, मतलब बेचारा उड़ के आ गया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। खैर यहाँ पे उसका बेड तोड़ दिया मैंने और वो बंदा आता है, और ये काफी ज्यादा तगड़ा था और हमारी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन मैंने उसको किल कर दिया क्योंकि मेरे पास थी आयरन की सोड। तो भाई यहाँ पे विक्ट्री हो जाती है मेरे को। तो भाई ये वाला मोमेंट अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर देना, लेकिन 2 बार लाइक बटन मत दबाना, ठीक है। खैर भाई अभी आ चुका था भाई मेन और सबसे लास्ट वाला मैच। यार इस मैच में भी भाई टच वाले प्लेयर्स भी थे और कीबोर्ड माउस वाले प्लेयर भी थे, लेकिन इसमें भाई ज्यादा किल हुए तो मैंने सबसे लास्ट में लगा दिया ना। खैर यहाँ पे मैं रश कर दिया ग्रीन के बेस की ओर एंड यहाँ पे लिटरली मैंने क्लच किया था लेकिन फिर से नीचे गिर गया यार, क्योंकि मेरा एम चोक हो गया ना। अब एम साइड में था तो मैं नीचे गिरूंगा ना। खैर यहाँ पे वो बंदा ऊपर चढ़ गया भाई, ये देखो मतलब क्या करना चाह रहा है तू, चल निकलना हट, क्या कहाँ जा रहा है, बेट तोड़ेगा नूबड़े। तो इसको तो किल कर दिया मैं, फिर से भाई यहाँ पे मैं लूट करने लग गया क्योंकि भाई वहाँ पे वूल तोड़ूंगा फिर ऊपर चढ़ूंगा तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर भाई यहाँ पे मैं साइड से ब्रीज करके जाने लगता हूँ आगे एंड वो बंदा भाई यहाँ पे लूट वगैरह करके वो ऊपर चढ़ने लगता है। तो भाई मैंने प्लान चेंज कर दिया और मैं भी ऊपर चढ़ने लग गया। अब यहाँ पे हम दोनों की फाइट होती है और मैं नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन भाई वो नूब बंदा वो भी नीचे गिर जाता है यार अपनी गलती से। अब जैसे मैं गिरा था, देखो मैं तो खैर वो क्लच करने के चक्कर में भाई हड़बड़ा के नीचे गिर गया था, वो भी शायद से हड़बड़ा के नीचे गिर गया होगा। अब यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ एंड इस बार मैं भाई लिटरली डायरेक्टली ऊपर चढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ तुम लोग खुद देखो। यहाँ पे मैंने ब्लॉक किया और वो बंदा डायरेक्ट वोड में चला गया यार। अब उसका किल नहीं मिला मेरे को क्योंकि मैंने भाई उसको ब्लॉक करके गिरा था ना। अब उसको एक हाथ फटका मारा हो तो किल मिलता। अब ये बंदा रिस्पॉन हुआ, इधर उधर भागा और मैंने उसको देख लिया, उसने मेरे को देख लिया और मैंने उसको कॉम्बो चढ़ा दिया। और भाई लिटरली इतना लैग हुआ कि भाई बंदा हवे में रहा और मैंने उसको भाई क्या ही कॉम्बो मार दिया यार। तो यहाँ पे मैं फिर से भाई लूट वगैरह करता हूँ एंड जैसे यहाँ से भाई निकलने लगता हूँ तभी भाई ब्लू वाला बंदा ये डायमंड जनरेटर पे आ जाता है और वो बंदा भाई लिटरली नल्ला नाकारा भाई मेरी ट्रिक मेरे पे आजमा दिया यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है। जैसे मैं फायर जज मार के बंदों को गिराता हूँ ना भाई, उसने भी मेरे को गिरा दिया यार। अब भाई यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ एंड लूट वगैरह करके आ गया मैं यहाँ पे। अब वो बंदा भी यहीं पे आ गया तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आगे ब्रिज करता हूँ एंड यहाँ पे उसको एक फायर चार्ज मारता हूँ दूर से, ताकि वो बंदा भी मेरे को फायर चार्ज मारे तो उसका फायर चार्ज अच्छे से ना लगे और एम चोक हो जाए। तो यहाँ पे भाई हमारे दोनों की फाइट होती है और मैं उसको किल कर देता हूँ यार। अब भाई यहाँ पे मैं फिर से लूट करने लग गया यार, लेकिन जैसे भाई लूट खत्म हुई ना तभी देखना भाई मेरा बेड तोड़ दिया यार, इसकी भैंस की टांग। अब वो ब्लू वाला बंदा कुछ लिखा, पता नहीं भाई क्या लिखा, फैन वैन होगा शायद से। अब यहाँ पे भाई सयान का बच्चा एप्पल खाने लग गया। एप्पल कैसे खा रहे, तेरी भैंस के रंग मेरे तेरे सामने और तू एप्पल खा रहे हैं। तो भाई इसको मैंने कोम्बो जड़ा दिया भाई, कोम्बो गेड़ा लगा दिया इसको, कोम्बो वाला गेड़ा लगा दिया इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे भाई मैं लूट वगैरह करता हूँ और इसके पास एमराल्ड मिला था तो मैंने इसका पोर्शन भी उठा लिया। और यहाँ से भाई मैं लिटरली भाई पूरा दूसरी तरफ से घूम के भाई जाता हूँ मैं एंड आता हूँ भाई रेड के बेस की ओर एंड यहाँ पे वो बंदा मेरे पीछे कब आ गया मेरे को पता ही नहीं चला यार। अब जैसे लूट करने लग गया ना तभी वो मौके पे चौका मारने लगता है और मेरे को मारने लगता है, लेकिन भाई यहाँ पे उसका लक काम नहीं आता और उसकी शॉप उखल जाती है तो उसकी वजह से वो बंदा खड़ा हो गया और मैंने उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया उसको। खैर उसके बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश का पोर्शन पीता हूँ एंड अभी जो यहाँ पे होता है ना भाई मेरा दिमाग घूम जाता है यार। अब वो बंदा बेड डिफेंस करके ना भाई यहाँ से जाने लग गया और मुझे लगा वो भाई वो दूसरे वाले बेस में चला गया रेड के बेस पे, और यहाँ पे मैं लिटरली भाई ये बेड तोड़ दिया उसका। तभी ये बंदा साइड से आ गया, भाई मेरा दिमाग घूम गया, मैं कहा ये कहाँ यहाँ पे कहाँ से आ गया यार। अब मैंने लिटरली इसको इतने ज़्यादा फायर राज मारे और ये बंदा फिर भी आठ आठ में। अब भाई यहाँ पे हम दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और ये बंदा भी भाई प्रो था यार, अब ये भी टच में था और बहुत ज़्यादा प्रो था। अब इसकी हेल्थ चली गई तो ये भागने लग गया और मेरे को ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, और तो मैं भाई यहाँ पे बो मारने लग गया। तो मैं भाई ऊपर गया फिर से और यहाँ पे ऊपर जाके इसको एक फटका मारा तो बंदा नीचे गिर गया और मैं लिटरली हाफ हार्ट में आ गया यार, और मैं लिटरली भाई बच गया और मेरे को विक्ट्री भी मिल गई। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।